वेलकम फ्रेंड्स, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हैं न्यू अपडेट। ये अपडेट है रोजगार अपडेट में, और रोजगार अपडेट में आ रहा है NSCL की तरफ से। तो NSCL का फुल फॉर्म होता है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। एक ये मिनरल कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस आई है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर RECTT 1/20/NSC 2020 2020 की जो नोटिफिकेशन आ रही है, इसके अकॉर्डिंग आपको जो वैकेंसी दी गई है उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले टेक्नीशियन वैकेंसी, क्योंकि हमें मतलब है ITI से। तो चलिए देखते हैं ITI में कहाँ से वैकेंसी निकली है। टेक्निकल सारी वैकेंसी मैं इन्फॉर्मेशन बताता रहूँगा, ITI पॉलिटेक्निक और BTEC। लेकिन ITI की वैकेंसी यहाँ पर कहाँ कहाँ आई है, चलिए देख लेते हैं। तो 25 नंबर सीरियल नंबर दे रखा है, तो यहाँ पर देखेंगे ट्रेनिंग में टेक्नीशियन ट्रेनिंग दिया गया है, और ट्रेनिंग जो टेक्नीशियन दिया गया है इसमें डीजल मैकेनिक की 9 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन की 4 वैकेंसी है, मशीन मैन की 3 और बेल्डर की 1 वैकेंसी है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन की 4 वैकेंसी है, प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर की 5 वैकेंसी है, और प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर जो कि फिटर के अंतर्गत आता है तो यहाँ पर फिटर के लिए 5 वैकेंसी है, ब्लैक स्मिथ के लिए 1 वैकेंसी है। तो फ्रेंड टोटल क्या है, 27 वैकेंसी है, उसमें से 13 क्या है अनरिजर्व के लिए जो कि UR के लिए रखा गया है, EWS के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसी है, और जैसा कि OBC फ्रेश और क्या है बैकलॉग, एक NCL आता है एक OBC फ्रेश आता है, तो फ्रेश के लिए आपको 5 वैकेंसी है और NCL के लिए यहाँ पर 3 वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और एक वैकेंसी दी गई है SC में फ्रेश और बैकलॉग में डाल दिया गया है इसमें, तो एक वैकेंसी है फ्रेश में, बैकलॉग में कोई वैकेंसी नहीं है। प्लस फिर आ जाइए आप ST में भी फ्रेश में 1-2 वैकेंसी है और बैकलॉग में भी 2 वैकेंसी है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दे रखा है VH@A1HH जो मतलब विकलांग के लिए है, डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए भी यहाँ पर दे रखा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि चलिए आगे देखते हैं कि ट्रेनिंग के लिए योग्यताएँ क्या क्या हैं उसमें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये वैकेंसी ITI से संबंधित आई है, तो फिर आप लोग के लिए खुशखबरी है। और ट्रेनिंग जो टेक्नीशियन में यहाँ पर डिटेल दे रखा है, यानी कि आपकी जो जो पोस्ट है उसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो क्वालिफिकेशन आपको मांग रखा है ITI में 60% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके पास NAC सर्टिफिकेट होना चाहिए। NAC सर्टिफिकेट मिलता है जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट प्रदान होता है जो कि प्रदान किया जाता है NCBT के द्वारा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर जो भी वैकेंसी निकाली गई है वो भी बिल्कुल कम सीटें हैं, और जो भी सीट हैं लेकिन यहाँ पर जो बात करें पे स्केल की तो बहुत अच्छे पे स्केल है। और एक बात और याद रखें, ट्रेनिंग टेक्नीशियन में आप अप्लाई कर पाएंगे, प्लस ट्रेनिंग स्टोर में भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ये इंजीनियरिंग संबंधित है लेकिन यहाँ पर मांग रखा है 3 ईयर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 55% मार्क्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट एग्नाइज्ड पॉलिटेक्निक या इंस्टीट्यूशन। लेकिन यदि आपके पास डिप्लोमा नहीं है या ITI है, तो ITI सर्टिफिकेट इन फिटर डीजल मैकेनिक ट्रैक्टर मैकेनिक विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर ट्रेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन एनी इंडस्ट्री एंड पास NAC एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी है कि मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए जो कि ITI कर रखे हैं उनके लिए यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है, वो भी स्टोर का काम जानते हैं, स्टोर के इंस्ट्रूमेंट वगैरह को जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा, आप ये ट्रेनिंग स्टोर में अप्लाई कर पाते हैं। तो ये सिर्फ रहेगा फिटर डीजल मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक आदि के लिए है, तो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो देख लीजिए सबसे ऊपर यहाँ पर जो ट्रेनिंग के लिए दे रखा था स्टोर इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पर 9 पोस्ट टोटल थी, उसमें 5 पोस्ट आपके लिए अनरिजर्व था, OEWS में 1 पोस्ट देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यदि यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर निश्चित ही आपके लिए बढ़िया अवसर है कि आप ट्रेनिंग स्टोर में भी अप्लाई कर सकते हैं और टेक्नीशियन भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी अगर स्किल नॉलेज बढ़िया है तो आप ट्रेनिंग स्टोर इंजीनियरिंग में अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के नाम पूछे जाएंगे और इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा जाएगा जो कि आपको मालूम होना चाहिए, देखकर आप बता सकें ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और उसकी पहचान बता सकें। ठीक है फ्रेंड्स चलिए फिर आगे देखते हैं उसके जो रिटर्न एग्जाम होने वाले हैं वो किस प्रकार से होगा। तो फ्रेंड्स
उसके बारे में आप लोग पूछते रहते हैं। तो पोस्ट जो है यहाँ पर ट्रेनी है, और जो सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड इंक्लूडिंग डीए ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड में आपको 20,179 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। तो आपको 20,000 समथिंग मिलने वाला है पर मंथ अमाउंट, तो ये अच्छा है, जबकि आपकी ये ट्रेनिंग पीरियड में है। इसके बाद आपके ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपका पे स्केल बढ़ जाता है, एचआर वगैरह लगा के सर चीज बढ़ा दी जाती है, ठीक है, जीएसटी के हिसाब से, और पे स्केल आपका बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देखते हैं सैलरी भी ठीक ठाक है, और यहाँ पर जो बाउंडेशन रखा है इन्होंने वो 1 ईयर का बाउंडेशन भी रखा है, और जो एज की बात करें तो ये एज यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जो कि 27 साल है जनरल के लिए, अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है, आप एससी एसटी हैं तो आपके लिए 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है, यदि आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो 10 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और फ्रेंड्स विकलांग हैं तब भी आपको, एक्स सर्विस मैन है तो उसमें भी आपको मिल रहा है 5 साल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप लोग को यहाँ अप्लाई करनी चाहिए। और हाँ बात करें जो डिटेल सिलेक्शन प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, सबसे पहले रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम होने के बाद ट्रेनिंग की, उसके बाद क्या होगा मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद हो सकता है आपका स्किल टेस्ट भी कराया जाए। तो फ्रेंड्स स्किल टेस्ट कराने के बाद आपका कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होके उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आगे देखते हैं अगर कुछ इन्फॉर्मेशन है तो। हाँ आगे आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आप एक ट्रेनिंग के तौर पर काम करेंगे तो सुपरवाइजरी या क्लर्क वर्क इन फील्ड्स ऑफिसर, ठीक है, आदि प्रकार से आप काम करेंगे। यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग असिस्टेंट लीगल ग्रेड फर्स्ट जो है और सीनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग जो भी हैं सभी का काम सुपरवाइजिंग का टाइम काम रहेगा, उसी के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर बाउंडेशन जो रखा है, यहाँ बाउंडेशन देख लो ट्रेनिंग के लिए वो रखा है कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग मे बी कंसिडर्ड फॉर ऑब्जर्वेशन, आज क्या इसमें दे रखा है तो आप देख सकते हैं, जैसे कि 1 ईयर का है सेटिस्फैक्ट्री है परफॉर्मिंग ड्यूरिंग द ट्रेनिंग में भी कंसिडर्ड फॉर ऑब्जर्वेशन, हाँ ऑब्जर्वेशन एज असिस्टेंट ग्रेड 5th के लिए है, ठीक है, रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में स्केल पे स्केल क्या है हमने बताया ना आपको 17,000 से 60,000 तक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैव टू एक्सीड सिक्योरिटी बॉन्ड ₹1,40,000, जो जर्नल वाले कैंडिडेट हैं उनको 1,40,000 रुपये बॉन्ड के रूप में भरना होगा यदि आप उसको लेफ्ट करते हैं तो, और यदि आप एस सी एस टी तो आपको 70,000 रुपये यहाँ पर बॉन्ड जमा करना होगा। तो फ्रेंड्स कॉर्पोरेशन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 100 रुपये का होगा, उसी पे आपको लिख के देना है कंप्लीटिंग ट्रेनिंग पीरियड एंड सर्व द कॉर्पोरेशन, ये मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ट्रेनिंग, 3 साल के पहले आप छोड़ते हैं तो आपको ये बॉन्ड भरना ही होगा, ठीक है। ट्रेनिंग पीरियड ऑब्जर्वेशन ट्रेनिंग नॉट ऑब्जर्व्ड बाय द कॉर्पोरेशन विल बी गिवन सर्टिफिकेट ऑन कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग विदाउट एनी ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दे रखा है यदि आप मतलब कुछ ऐसा छोड़ के जाते हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा और साथ साथ आपको बॉन्ड भरना होगा। तो फ्रेंड्स आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर 3 साल जॉब करने के बाद आप छोड़ नहीं सकते, अगर 3 साल के पहले आप जॉब छोड़ते हैं तो आपको बाउंडेशन है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतनी बातें हम लोग को जानने को मिल रहा है यहाँ पर, तो इसकी अप्लाई का डेट अभी आया नहीं है, और अप्लाई करने का जो डेट अगर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा एक वीडियो के माध्यम से कि इसका लास्ट डेट और कब अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स बात करें तो इसकी जो वेबसाइट है वो www.indiaseats.com है, यहाँ से आप क्या करेंगे यहाँ कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर कॉपी कर लीजिए कॉपी टेक्स्ट, और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर आप नेक्स्ट यहाँ से सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट से जाके आप सर्च कर लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पर वेबसाइट पे आ चुके हैं, वेबसाइट पे आएंगे यहाँ पर आपको इसको कॉपी कर लिए थे इसको पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर इंटर कर दीजिए, इंटर करने के बाद वेबसाइट खुल के आ जाएगी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, और यहाँ से आप जब इस पर आ जाएंगे तो इस पर आने के बाद आपको जाना होगा यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो निकालता है जिससे कि आपको करियर में जाना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होम अबाउट रेट्रैक्ट फॉर स्टाम्प मेल टेंडर्स और तमाम प्रकार से साइट में दे रखा है, और नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दे रखा है कॉर्पोरेट मैसेज जो भी है ना यहाँ पर क्वालिटी बिजनेस इसके साइड पर, यहीं पर आपको
कैरियर एंड वैकेंसी मिल जाएगी। तो करंट वैकेंसी में क्या है, तो करंट पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो भी नोटिफिकेशन है आया हुआ है वो देखने को मिल जाता है, जैसे कि रिक्रूटमेंट फर्स्ट 20 एनएससी 2020, तो यहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी भी कोई अप्लाई स्टार्टिंग हुआ है कि नहीं हुआ इसके लिए अभी कुछ जानकारी नहीं दी गई है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप मेरे को जानकारी मिलती है मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स आप चैनल पर बने रहें और वीडियो को वॉच करते रहें बराबर। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।